हाय गाइस, लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था, और अभी अपन पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ नहीं पढ़ा है तो सजेशन में आ गया होगा, तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। अभी इसमें एक्स एक्सिस में क्या है? टाइम इन सेकेंड्स एज इट इज, ठीक है। वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। पहले में क्या था? डिस्प्लेसमेंट में था, अभी क्या? वेलोसिटी आ गया, ठीक है। तो अभी फर्स्ट केस में क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी फर्स्ट सेकंड में क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड में क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। थर्ड सेकंड में क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। और फोर्थ सेकंड में क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, मतलब वेलोसिटी हर जो भी क्लास इंटरवल में है तो सेम चल रही है। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ये वाला ग्राफ है, यहाँ पे स्ट्रेट है, तो इसका मतलब क्या? अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा है और यूनिफॉर्मली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे डिस्टेंस होता, सॉरी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता और यहाँ पे टाइम होता, ये वाला ग्राफ आ रहा है, तो उसमें जो वेलोसिटी आती है उसमें इक्वल आती है, तो वही वेलोसिटी यहां पे इक्वल आएगी। समझ में आई मेरी बात? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। वो तो एट ऑन स्टेज में भी आप देख लेना तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी मेरी कॉन्स्टेंट है। अब एक और बात आपको समझने की जरूरत है, जब मेरी वेलोसिटी आ गई और ये टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है और ये मेरा टाइम है, तो आपको पता होगा वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, अगर आप सोचो तो। यस राइट, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो बेसिकली अगर मेरे को फाइंड करना है, मेरा सपोज मान लीजिए 2 सेकंड तक मेरा मेरी बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया, कितने सेकंड तक? 2 सेकंड तक। तो वेलोसिटी ऑफ 2 सेकंड कितना है? 4 है, 4 ले लिया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बॉडी का? 4 × 2 8 मीटर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मेरे को 4 सेकंड में मेरे को फाइंड करना है कि मेरी बॉडी ने कितना लिया है, तो v इंटू टी सेम फॉर्मूला, टी की जगह आ जाएगा 4 और वेलोसिटी कितनी? 4। एस का डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज व्हाट? 16 मीटर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो डायरेक्शन आप लिख लेना जो भी राइट हो जाए क्वेश्चन में देगा उसे। ये बात समझ में आ गई? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। फाइन, ठीक है। अभी अपन ये वाला देखेंगे। अब सेकेंड केस ले लीजिए, तो सेकेंड केस में क्या होता है? टाइम फैक्टर यहाँ पे आ गया और ये वेलोसिटी फैक्टर। अभी इसमें देखोगे आप, फर्स्ट सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड चल रही है, सेकेंड सेकेंड में 4 मीटर पर, थर्ड सेकेंड में 6 मीटर ले रही है, फोर्थ सेकेंड में 8 मीटर ले रही है, ठीक है। तो अब इसकी फाइंड कर लेते हैं कि मेरा क्या निकल रहा है बेसिकली। सर तो इस केस में क्या पिक्चर में आ जाएगा? एक्सेलरेशन पिक्चर में आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली? अपने पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो फर्स्ट और सेकंड इंटरवल में अपन देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 − 2 2 − 1 विच इज वॉट? 2/1 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप अगर सोच रहे होंगे यहां पे भी एक्सेलरेशन आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वॉट? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम पर। यहां पे चेंज इन वेलोसिटी तो 0 है, तो 0/any time interval विच इज 1 विच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन इस केस में एग्जिस्ट करेगा। एक्सेलरेशन में वेक्टर यूनिट है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर यूनिट है। ओके, a2 में क्या आ जाएगा? 2/3, तो 2 मतलब 3 इंटरवल और 2 इंटरवल में, तो थर्ड इंटरवल में कितना वेलोसिटी है? 6 है, और सेकंड इंटरवल में कितना वेलोसिटी है? 4 है। तो यहां पे भी आ जाएगा सेम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अब ये कौन सा हो गया? कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का ये हो गया। बेसिकली क्या है? वेलोसिटी यहां पे इंक्रीज कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन पढ़ा था। इससे वेलोसिटी टाइम डायग्राम से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं बेसिकली, राइट। आज अपन पढ़ेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी मुझे पता करना है कि मेरा टाइम 3 तक मेरा बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो उसके लिए क्या आ जाएगा? जो भी एरिया अंडर द कर्व एंड लाइन के यहां तक, ये हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू ट्राइंगल है बेसिकली, राइट एंगल, हाफ इंटू बेस हो गया मेरा टाइम और हाइट हो गया मेरा वेलोसिटी। तो कितना होता है? हाफ इंटू टाइम, टी का क्या है? 3 सेकेंड, और मेरी वेलोसिटी कितनी है? 6। तो 3 × 2 × 3 = 6, तो मेरा आ जाएगा 9 मीटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। जैसे सपोज 4 का फाइंड करना था, सिमिलरली 4 का अपन फाइंड कर सकते हैं। आप पूछोगे, आप सोचोगे सर ने लास्ट टाइम जो फर्स्ट केस था ऐसा वाला, तो उसमें तो सर ने ये वाला पूरा लिया था। एग्जैक्टली बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के जो भी है उसके अंदर का जो कर्व आता है ना, जो भी एरिया आता है,
वो मेरा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेगा, कैसे, v इंटू टी। तो इसमें भी वेलोसिटी और जो भी टाइम का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो मेरा बताएगा डिस्प्लेसमेंट। फाइन, तो अपन ने डिस्प्लेसमेंट सीख लिया और एसेलेशन इस पूरे ग्राफ से कैसे फाइंड करते हैं वो अपन ने सीख लिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आपको अगर आगे का पूरा प्लेलिस्ट देखना, पीछे का आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट भी दे दी है, तो प्लीज आप जाके देख लीजिएगा। थैंक यू।